बहुत प्यार दिया है, इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ। सारी दुनिया यू नो आपकी दीवानी तो है, लेकिन बिग बॉस के में जाने के बाद जो पॉपुलैरिटी आपकी और बढ़ी है, वो कैसे देखती हैं आप? मैं कह तो रही हूँ कि ये मेरे लिए उपलब्धि है और एक तरीके से ये जीत है। मैं बेशक बिग बॉस जीत के नहीं आ पाई, बट हाँ लोगों का दिल जीत कर आई हूँ और आगे भी जीतती रहूँगी, इस बात की यू नो आशा करती हूँ। So, आने वाले दिनों में और हमें आपको किस तरह के प्रोजेक्ट हम देखेंगे, क्योंकि यू नो आप जो भी करती हैं वो एक हमारे मार्केट में सवाल हो जाता है, आपकी तरफ से हम क्या कुछ देखेंगे? मेरी तरफ से अभी बहुत जल्द बी प्राग जी के साथ गाना आने वाला है, उसके अलावा गाबा के साथ एंड मेरे खुद के गाने बहुत सारे आ रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और बहुत सारी फिल्में हैं। निरहुआ जी के साथ एक फिल्म है जो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, फिल्म का नाम है जान लेबू का। ये शूट हमने कंप्लीट कर लिया है और मेरे आने की देर थी, हमने डबिंग भी कंप्लीट कर लिया है और अब बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। इसका ट्रेलर आ चुका है यूट्यूब चैनल पर और बहुत जल्द ये आप लोगों के बीच होगा। हाँ, फेमिनिज्म को लेकर कंट्रोवर्सीज तो बहुत ज़्यादा हैं यू नो, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो फेमिनिज्म के लिए खड़ी तो होती हैं बट यू नो डगरा पर का बैगन टाइप्स, कभी इधर कभी इधर, तो स्ट्रांगली नहीं खड़ी हो पाती हैं, बट दूसरों को दोषारोपण देने में वो लोग सबसे आगे हैं। तो ये मेरे साथ भी हो चुका है, जिस दिन मैं निकल रही थी कई सारे आरोप मुझ पर लगा दिए गए जो कि सही नहीं थे, कई हद तक गलत थे, और मुझे लगा कि अगर मैं गलती मैंने की है या मेरे बातों से यू नो जिस परिवेश का भी थोड़ा बहुत असर होता है जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, हो सकता है अलग अलग जगहों की अलग अलग भाषा है तो शायद वो चीज़ें बुरी लगे। मैं ये नहीं कहती कि मैं एकदम सही हूँ, तो जहाँ गलती हुई मुझे लगा कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अब भी। बट बहुत सारी महिलाएं वहाँ ये इतनी भी यू नो अपनी बातें जो कहती हैं, अक्सर अपने शरीर के अंगों का नाम लेकर गाली देती हैं और वो गाली दूसरों को देती हैं और उसमें भी फ़ख्र महसूस करती हैं, तो ये कहाँ का फेमिनिज्म है मुझे ये जानना है, और मैं काफ़ी दिन से ये जानना चाहती हूँ। घर के अंदर भी थी तो मैंने ये सवाल किया था कि आप लोग आम भाषा में गालियों का प्रयोग करते हैं और अपने ही शरीर के अंगों का नाम लेते हैं, शेमफुल मेरे ख्याल से। अगर आप फेमिनिज्म की बात करें तो आपको भी अपना मर्यादा और अपना दायरा पता होना चाहिए। कई बार बिग बॉस में आपकी लैंग्वेज को लेकर और हिंदी और इंग्लिश को लेकर किस तरह की काफी बार उसको लेकर विवाद हुआ है, जी क्या कहेंगे आप, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस एक हिंदी शो है कि नहीं? बिग बॉस एक हिंदी शो है और बिग बॉस जहां आपको 50 मतलब 24 घंटे में 50 बार एक ही चीज़ बिग बॉस दोहराते रहे, आप हिंदी में बात करिए, तो अगर मुझे हिंदी आती है तो मैं क्यों नहीं बोलूं? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी बोलने में मुझे फ़ख्र है, मैं क्यों नहीं बोलूं? आपको अगर इंग्लिश बोलने से आपकी हाई सोसाइटी और हाई प्रोफाइल यू नो आप व्यक्त कर सकते हैं अपने आप को, तो मैं हिंदी बोलकर अपने आप को उतना ही ज़्यादा यू नो प्राउड फील कर सकती हूँ और मैं हिंदी में ही अपने जज्बातों को रख सकती हूँ, तो मैंने हिंदी ही बोली। लेकिन वो कहते हैं ना अपना ठेठ बिहारीपन और अपने अक्खड़पन से जाने जाते हैं बिहारी यूपी के लोग, तो मैं अपने भाषा को लेकर चल रही थी बट लोगों को मैं गवार लगी कई हद तक, चूँकि मैं इंग्लिश में बात नहीं करती थी। मुझे लगता था कि अगर बिग बॉस के घर में है तो मुझे लगता है कि मैं जैसे घर में हूँ भाई, अपने घर के पहचान को लेकर मैं वहाँ गई थी और मुझे वैसे ही रहना अच्छा लग रहा था, पर कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगा, तो वो उनका माइंडसेट है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। कई बार लोगों ने कहा कि आप सिंपैथी गेन कर रही हैं इस तरीके से दिखा के, हाँ सिंपैथी गेन की बात है जहाँ तक, तो मैं मेरी आदत है बात बात में हे ईश्वर सद्बुद्धि दीजिए, हे ईश्वर सद्बुद्धि दीजिए, ये कहने की मेरी आदत है,
तो मैं ये बात बात पे कहती थी, लेकिन जब भी मैंने हे ईश्वर बोला है, ओ लो 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 लो, आ गई आ गई आ गई, अब तो ये सिंपैथी कार्ड यूज कर रही है। अरे यार कार्ड क्या, जोड़ पत्ती खेलने गए थे अंदर हम, हाँ हम कार्ड खेलने गए थे। सो बात बात में वो लोग कोई ना कोई कार्ड और यू नो आरोप लगाते थे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैं रिएक्ट करती थी। मुझे फेक लगता है और मैं उनके लिए ना ईश्वर से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो जब बाहर आए तो इसको अगर कंटिन्यू एक महीने कर लें तो मैं उनको दाद दूंगी। ये जो आपकी जो मतलब जो हमारी बिहार एंड यूपी की जो लैंग्वेज है, सारे मैंने बिग बॉस ये ज्यादा फॉलो नहीं किया, अपनी भी लैंग्वेज सिखाई आपने वहां पर जिस तरह से? मैं बता रही हूँ, जितने दिन मैं घर के अंदर थी, मेरे रंग में लोग रंगे हुए थे, जब भी हमसे बात करने आ रहे थे हमसे हमारी भाषा में बात करते थे, और यही एक तरीके से जीत है। और जहाँ मैं आप सम्मान और जनाब से बात करती थी, लोगों को देखा कई बार तू तड़ाक और यू नो एक दूसरे से एक दूसरे को गाली देना सब करते थे, लेकिन जब भी मेरे तक आते थे, अक्षरा जी आप कैसी हैं, अक्षरा जी आप क्या कर रही हैं, ऐसे ही आप जनाब से बात किया। और यही इस चीज़ की मैं शुक्रगुजार हूँ कि यही मैं हूँ और इसी रंग में मैंने सबको रंगा। भोजपुरी में बहुत प्यार मिला लोगों का, और दर्शकों के साथ साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उन लोगों का भी बहुत साथ मिला। और मतलब ये अलग बात बा कि घर के बाहर बानी तक ये साथ नहीं देत, लेकिन घर के अंदर गई बानी तो जहाँ यूपी बिहार के बात आ गई तब तो साथ देवे के पड़ी, हंस के चाहे रो के देवे के पड़ी, तो लोगों ने दिया। और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मतलब खुशी है मुझे इस बात की। तो सब कोई जहाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए लोग अगर एक एक होकर लड़ सकते हैं, या किसी यू नो बिहार यूपी से गई लड़की को एक एक किनारे दरकिनार कर देते हैं, तो हम सब बिहार यूपी के लोग क्यों नहीं एक तरफ होकर यू नो एक होकर क्यों नहीं अपने लिए लड़े। आपके अंदाज में जो आपका फेवरेट गाना होता है, मतलब मैं एक्चुअली बहुत दीवाना हूं ऐसे गानों का, तो अगर आप फ्यू लाइंस सुना सके, अगर आप जाते जाते कौन सा जो आपका अभी यू नो एक गाना हिट हुआ है, इधर आने का नहीं, वो गाना गाते हैं। ये हमेशा गाते हैं। थैंक यू। पहले आप हम पे मरते हैं, फिर हम आप पे मरते हैं, जब हम आप पे मरते हैं तब आप कहीं और मरते हैं। कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ हाँ जाने का नहीं, तो सुन हम बुलाइबे नहीं किए, इधर आने का नहीं। मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, सुन मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, हाँ आने का नहीं। और साथ ही मैं सारे दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि अब तक जो भी छोटा मोटा नाम और मुकाम बना पाई हूँ, अपना आशीर्वाद अपना प्यार यूं ही बरकरार रखिएगा। और जाते जाते दो लाइन कि मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया ज़माना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल ना जाना। थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू।